अब वेरिएंस की बात कर रहे हैं, वेरिएंस के अंदर बेटा देखो हमारे तीन मेथड होते हैं। पहला एक्चुअली मेथड नहीं है ये, मेरी टेक्निक है। रॉ डेटा के लिए हम अलग फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्क्रीट के लिए अलग लगाएंगे, ठीक है? ये बात भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये किसके लिए लगाना है हमने, ये डिस्क्रीट सीरीज के लिए। डिस्क्रीट याद है ना, डिस्क्रीट या ग्रुप, ओके। और क्लास इंटरवल वाले के लिए यानी ग्रुप के लिए अलग लगाएंगे, जिससे आसानी हो सके, ओके। तो ये ग्रुप के लिए, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। रॉ डेटा वेरिएंस को डिनोट करते सिग्मा स्क्वायर से। ऐसा सिंबल भी आपका क्या होता है बेटा, ये वाला भी, इसका नाम होता है समीशन सिग्मा और इसका नाम सिर्फ सिग्मा। तो रॉ डेटा के लिए फॉर्मूला क्या बनता है वेरिएंस का, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन, ओके। एक फॉर्मूला और है छोटा सा, जो ये फॉर्मूला लिखवा रहे हैं मिसलेनियस में यूज आएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। बेटा एक्स बार किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स बार मीडियन नहीं, किसको करता है, मीन को। इतना पॉइंट क्लियर? अच्छा, अभी यूज कब करना चाहिए ये भी लिख दूं मैं, व्हेन डेटा इज नॉट प्रॉपरली गिवन या व्हेन सम फिगर्स आर मिसिंग, व्हेन इसके लिए सम फिगर्स आर मिसिंग। ये बाद में लिखाऊंगा, पहले एक को समझते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन क्या कहता है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर ईच ऑफ द डेटा। क्या निकालना है बेटा, मीन एंड वेरिएंस। तो सबसे पहले मीन निकालो, सिक्स सेवन टेन ट्वेल्व थर्टीन फोर एट ट्वेल्व। वैसे तो अच्छा रहता है कि आप इसे अरेंज कर लो, बट एनीवेज मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। करना जरा, छ सात तेरह, तेरह दस तेईस, तेईस और बारह पैंतीस, पैंतीस और तेरह अड़तालीस, बावन, बावन और बीस बहत्तर, यानी 72। 72 बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो कितना आ गया बेटा, 9, राइट। अब इसके बाद वेरिएंस के लिए क्या चाहिए, सिग्मा स्क्वायर के लिए, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय एन, एक्स माइनस एक्स बार। एक बात नोटिस कर लो, यहां मॉडुलस नहीं है, तो ये मॉडुलस सोचो। करना जरा, सिक्स माइनस नाइन, सेवन माइनस नाइन, मॉडुलस नहीं है तो माइनस, टेन माइनस नाइन, ट्वेल्व माइनस नाइन, थर्टीन माइनस नाइन, फोर माइनस नाइन माइनस फाइव, एट माइनस नाइन माइनस वन, ट्वेल्व माइनस नाइन थ्री। अब क्या कर दो इसका स्क्वायर, कितना हो जाएगा सर, नाइन फोर वन नाइन, सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव वन एंड नाइन, ऐड करना, नौ चार तेरह चौदह, चौदह और पचास सीधा ले लेते हैं ऐसे, तो सिक्स चौदह पचास सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर सेवेंटी फोर, सेवेंटी फोर बाय एट,
that would be 9.25. क्वेश्चन नंबर टू में बाद में कराऊंगा, कंफ्यूजन. अच्छा क्वेश्चन थ्री में क्या, फर्स्ट टेन मल्टीपल्स ऑफ थ्री, फर्स्ट टेन मल्टीपल्स कौन से होते हैं? 369, बस 30 तक जाएंगे. 369 से लेकर कहां तक? 30 तक. इसका निकालना है मीन और वेरिएंस. क्लियर है? अब एक वर्ड और आता है, वो आता है स्टैंडर्ड डेविएशन. कहां लिखूं इसे मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को? यहां डाल देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन. बेटा इसके भी तीन फॉर्मूलेज हैं, बताऊं? ये कुछ नहीं होता, ये होता है वेरिएंस का रूट यानी सिग्मा. बस वेरिएंस का रूट करो तो वो क्या बन गया? स्टैंडर्ड डेविएशन. पॉइंट क्लियर? तो इसलिए जितने इसके फॉर्मूले उतने उसके फॉर्मूले. तो यानी स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या निकालना होगा? पहले क्या निकालना होगा? फोकस लिखने, स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल वेरिएंस निकालना होगा. क्लियर? चलो नोट करो इससे, फिर आगे चलते हैं. अब आ रहा हूं नेक्स्ट, डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड कब यूज करना है? डिस्क्रीट सीरीज के लिए. तो फॉर्मूला क्या होता है वेरिएंस के लिए? थोड़ा से नीचे कर रहा हूं मैं. इसका होता है सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ. यानी बस जब फ्रीक्वेंसी आ जाए तो हम क्या करते हैं नॉर्मली? आप कोई ये नोटिस करो, जब भी फ्रीक्वेंसी आ रही हम क्या कर रहे हैं? उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं. पॉइंट क्लियर? ओके. क्वेश्चन नंबर फोर ट्राई करो राइट नाउ. मीन एंड वेरियंस निकालने हैं. रेडी? ओके, मीन निकालना है. सबसे पहले मीन निकालो एक्स बार. इस बार कौन सा फॉर्म लगेगा मीन के लिए? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. तो एफ इंटू एक्स कर दो, क्या हो जाएगा सर? 6 इंटू 2, 10 इंटू 4, 14 इंटू 7, 18 इंटू 12, 216, 24 इंटू 8, 192, 28 इंटू 4, 112. यही है ना? 13 इंटू 3, 90. अब टोटल बता देना सही. पक्का है? 762. और फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है बेटा? 760. By 40, then in 19, right? 19 आ रहा है, ठीक है. अब x माइनस क्या निकालेंगे? x बार. 6 माइनस 19, माइनस 13. 10 माइनस 19, माइनस 9. 14 माइनस 19, माइनस 5. 18 माइनस 19, 24 माइनस 19, 5. 28 माइनस 19, 9. 30 माइनस 19, 11, राइट? स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा सर? 169, 81, 25, 81, 121. अब यहां वेरिएंस का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बोलो बेटा वेरिएंस का फॉर्मूला. डायरेक्ट मेथड, सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ. एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. 2 इंटू 169, 338. 4 इंटू 81, 324. 7 इंटू 25, 175. 12 into 1, 12.
8 into 25, 200. 4 into 81, 324. And last, 3 into 121. So that is 363. आप टोटल कर देना और डिवाइड कर देना. कर दो टोटल. 8 4 12, 12 5 17, 2 19, 19 7 26. दो कैरी. 5 6 7 8 और 7 15, 15 और 8 23. दो कैरी. 5 6 9 10 11 11 और 6 17. 1736 by 40. Please check it out कि क्या आंसर आ रहा है. 1736 by 40. 43.4 आ रहा है पीछे. पीछे देख के बताओ. Homework. Exercise. First exercise. Exercise 15.1 old books में, new books में 13.1. क्वेश्चन नंबर 7, 8, 11, 12, एग्जाम्पल 5, 6, 5 and 7, एक्सरसाइज 15.2, 13.2, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5, एग्जाम्पल 8. और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना तो मैं क्या करता, इसी को रूट में. तो इसी के बेसिस पे होमवर्क दे रहा हूं. 9 10 11 क्वेश्चन 7. बस ज्यादा नहीं आज. Enjoy.